कांग्रेस ने आगामी उपचुनाव की तैयारी को लेकर अहम बैठक की, जिसमें 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे और टिकट के दावेदारों से फीडबैक लिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए दावा किया है कि कांग्रेस सभी 7 सीटों पर जीतने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देने के लिए राजधानी जयपुर में अहम बैठक की थी और बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि सभी 7 सीटों पर जीत के लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है। डोटासरा ने संगठनात्मक विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि अगले 7 दिनों में पार्टी के प्रभारी सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी रणनीति पर तेज़ी से काम कर रहे हैं और हर कदम पर निर्देशों का पालन हो रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर डोटासरा ने तीखा विरोध जताया है और कहा है कि कांग्रेस इस बयान के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। डोटासरा ने बयान के खिलाफ ये भी कहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है और पार्टी बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि राजस्थान की बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उन्होंने व्यंग्य कसते हुए कहा है कि 9 महीनों में तो बच्चा भी गर्भ से बाहर आता है, लेकिन बीजेपी सरकार केवल योजनाओं की समीक्षा के नाम पर जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार को पर्ची सरकार कहते हुए आलोचना की और ये कहा है कि बीजेपी जनहित की योजनाओं को बंद करने की साजिश रच रही है। उन्होंने नए ज़िलों के मुद्दे पर भी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि राज्य में नए ज़िलों को बंद कराने के बजाय और ज़िलों का निर्माण होना चाहिए। जूली ने बीजेपी नेता मदन दिलावर पर भी कटाक्ष करते हुए ये कहा है कि वे दलित समाज से आते हैं, लेकिन दलितों के मुद्दे पर कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। अब ऐसे में सियासत के इस जंग में कौन जीतता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि चुनावी बिसात पर हर मोहरा अपनी चाल चलने को तैयार हो चुका है। राजधानी जयपुर से राहुल जांगिड के साथ फैक्ट इंडिया ब्यूरो। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।